मथुरा में जाएंगे, थोड़ा मदद करेंगे, खाएंगे पिएंगे। अच्छा तो अभी हम लोग चल यहाँ पे देख सकते हैं पूरा खाना वाना आ चुका है। पूरा रूपम भैया जी यहाँ पे पूरा सर्व कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे सब लोग बैठा हुआ है गाइस। केला खाना खाई खाई खाया। बाय बाय। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे और एक नए ब्लॉग पे। तो सुबह सुबह दिन का शुरुआत हो चुका है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए पूरा आज को एकदम अभी पूरा धूप दे रहा है गाइस। और सोलर भी निकाल दिया मैंने दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा कनेक्शन वहाँ पे बैटरी है वहाँ पे दे दिया। और रात को तो इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा था, तो बीच में फिर रात को ही पूरा बारिश दिया ना, जोर जोर से बारिश दिया, तो मज़ा आके सोया गाइस। तो अभी पापा ने गाय को घास में ले गया, तो मेरे को पूरा ग्वाली साफ़ करना पड़ेगा। गाय का ग्वाली पूरा गोबर फेंक के झाड़ू मार के एवरीथिंग करना पड़ेगा गाइस। यहाँ पे देख सकते कितना गंदा होके रखा है ना, तो अब इसको पूरा साफ करेंगे गाइस। देखिए ये देखिए दोस्तों, और धूप देखिए बहुत इतना कड़क से निकला है ना, बाप रे, मत पूछिए ना। तो अभी अपना काम करते हैं, उसके बाद में मिलते हैं आपसे फिर से गाइस। अभी मैंने पूरा ग्वाली को भी साफ कर दिया, देखिए गोबर फेंक दिया और झाड़ू मार दिया ना, पूरा क्लीन क्लीन होकर रखा है। तो थोड़ा थोड़ा पत्ता वगैरह आपको दिख पा रहा होगा, ये ऊपर सजना का ना हवा आ रहा है तो पूरा गिराई देता है गाइस, तो इसीलिए वो दिख रहा है। और आप चलते हैं किचन के अंदर में गाइस। तो यहाँ पे पूरा फेडल हेड बन रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा कल मैंने लेके आया था ना, तो ये देखिए दोस्तों, वाओ गाइस इतना टेस्टी लगता है मेरे को ये एकदम। पूरा एलिफेंट एप्पल या बम्बूसूर का साथ में मिक्स करने से ना, वही यहाँ पे पूरा साफ़ कर रहा है। यहाँ पे देखिए, तो ये वाला जो होता है ना, ये वाला देखिए, ये वाला इतना वो नहीं करता है, तो सिर्फ ये वाला कर रहा है, क्योंकि इसको भी खाता है कभी कभी, तो अभी इसको नहीं ले रहा है दोस्तों। ये देखिए, और यहाँ पे दूध पूरा बैठा है, यहाँ पे पूरा पक रहा है गाइस। देखिए तो अभी ये बनने के बाद में ब्रेकफास्ट भी करेंगे दोस्तों, उसके बाद में काम पे भी जाना पड़ेगा गाइस। तो गाइस अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए पूरा एलिफेंट एप्पल का साथ में ना, ये फेडल जो जिसको पूरा मज़ा से बनाया है फ्राई, और यहाँ पे दाल है और राइस। तो अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं गाइस। अभी जो है दोस्तों, मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है गाइस। तो अभी मैं थोड़ा सा, मामा ने कॉल किया मेरे को, तो उनका फ़ोन जो है मतलब पता नहीं क्या हो गया, ऐसा करके बोल रहा था कुछ, क्या हो गया होगा पता नहीं, मेरे को भी एग्जैक्ट मालूम नहीं। तो मतलब फ़ोन ले जाके रूपम भैया को थोड़ा सा दिखाना है बोला है, पहले भी हुआ था बोला है, तो अभी फिर से वैसा हुआ है, तो थोड़ा सा दिखाना है, आप जल्दी से आ जाओ ना, ऐसा करके बोला है मेरे को। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा स्कूटी मैंने निकाल लिया, तो अभी मैं रेडी वेडी हो चुका हूँ दोस्तों। तो अभी मैं सीधा वहाँ पर चलता हूँ, मामा एक्चुअली ब्रिज पर आएगा, तो मैं वहाँ से मामा दूध भी लेके आया बोला है आएगा बोला है, तो दूध दूध दे के उधर रूपम भैया का उधर में जाके दिखाएगा करके बोला है। तो इसीलिए अभी चलता हूँ मैं गाइस। तो धूप देख सकते हैं काफ़ी निकल चुका है, और ऐसा है कि मतलब बादल ही बादल छाया हुआ है ना, तो धूप आता है जाता है ऐसा कर रहा है दोस्तों, पता नहीं बारिश भी दे सकता है और ऐसा हो रहा है। तो फिलहाल के लिए अब चलते हैं वहाँ पे, खाना वाना पूरा खा लिया मैंने दोस्तों और रेडी भी हो चुका हूँ, तो अभी सीधा चलते हैं गाइस। देखिए पूरा धूप बादल ही बादल छाया हुआ है, और धूप भी निकल रहा है जा रहा है, और सोलर तो यहीं पर है, तो अभी सीधा वहीं पर चलते हैं, मिलते हैं गाइस मामा के साथ में। गाइस फाइनली मैं पहुँच गया गुना नगर, जो यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा सा पीपल का पेड़ है, यहीं पर मामा जी और यहाँ से रूपम भैया लोग सभी लोग यहीं पे वीडियो अपलोडिंग करता है ना, तो यहाँ पे अच्छा खासा नेटवर्क आता है। मैं भी कभी कभी यार मेरा तो बहुत परेशान हो चुका है। अच्छा वही तो, क्या हो गया बोला, मोबाइल परेशान आ गया, क्या होता है, चलो जाते एक बार रूपम भाई को दिखाते हैं। हाँ हाँ और एकदम अच्छा। बहुत परेशान भाई, वीडियो भी अपलोड कर नहीं पाया ना। अरे कल को रात को मैंने वीडियो अनलिस्ट करके पब्लिक कर दिया था, तो बाद में डायरेक्ट एक काम है चेप गया ना, कहाँ कौन सा बटन दबा दिया, बस अपना से भूखने लग गया, वो एकदम भूखते रहता है रात भर, बंद करके रख। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने बहुत मोबाइल भी डायरेक्ट स्विच ऑफ हो चुका था, क्योंकि वेदर भी ऐसा है, वेदर खराब है, बैटरी चार्ज नहीं था, वही तो कारण से बहुत प्रॉब्लम और प्रॉब्लम हो गया मेरा। चलो अरे कोई नहीं, तो एक्चुअली ऐसा फोन होता है कभी, मैंने भी सबका देखा है, तो वो मेरे को भी मतलब पता नहीं वो क्या है, पता नहीं वो मतलब, हाँ मैं दूसरा लोग का देखा है मैंने, लेकिन पता नहीं वो लोग दुकान तरफ दिया होगा, दुकान में तो मेरे को भी इतना आइडिया नहीं। तो अभी वहाँ पे चलते हैं ना, तो रूपम भैया को वहाँ पे दिखाते हैं, मामा जी का ये देख सकते हैं दूध भी है, इसको भी दे देना है मार्केट में, तो सीधा चलते हैं वहाँ पे, बने रहिएगा गाइस। पेट्रोल पंप में हूँ, यहाँ पे 100 का पेट्रोल डाल रहा हूँ गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस, और यहाँ पे हो चुका है, तो अभी चलते हैं सीधा वहाँ पे गाइस। गाइस अभी हम लोग ब्रिज पे पहुंच चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं चकमा बस्ती रूपम भैया लोग का, पम्पम भैया लोग का घर जाने वाला, ये जो बनाया है ना, तो पहले यहाँ पे था टूट गया, तो यहाँ पे टेम्पररी बनाया है दोस्तों। तो यहाँ पे मामा जी आगे जा रहा है, एक्चुअली मामा जी का दूध दूध देना था, जहाँ पे भी देना था वो सब दे चुका है दोस्तों, मैंने भी पेट्रोल डाल दिया दोस्तों। देखिए दो स्टिक हो रहा है यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहले वन टिक टिक कर रहा था, तो पेट्रोल भी डाल लिया, अभी चलते हैं सीधा, आराम से जाना पड़ेगा, यहाँ पे डबल नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा बनाया हुआ है, तो रिक्शी है ना, तो आराम से चलेंगे, मामा जी उतरा है आगे से चढ़ के जाएंगे साथ में, तो बने दोस्तों। तो गाइस अभी हम लोग जा रहा है
भैया लोग का घर जाने वाला रास्ता में पहुंच चुका है। रास्ता काफी ज्यादा खराब है दोस्तों, पत्थर ही पत्थर है। और यहाँ पे देख सकते हैं मामा जी राइड कर रहे हैं पूरा मजा से। ड्राइविंग भाई, आज ड्राइविंग राइडिंग ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा राइडिंग कर रहा है गाइस। तो अभी थोड़ा सा आगे उससे लेफ्ट लेना पड़ेगा, तो लेफ्ट लेने के बाद में थोड़ा आगे जाके ही मिलेगा मामा जी का रुपम भैया का घर पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इधर अभी हम लोग लेफ्ट लेगा, तो उस तरफ है सीधा जाता है, उधर आगे जाता है। तो हम लोग अभी लेफ्ट ले रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत रास्ता कितना खराब है। देखिए रात को पानी दिया था ना एक्चुअली, पूरा जोर जोर से बारिश दिया था। हाँ, तो इसके लिए आराम से जा रहा है हम लोग। देखिए पूरा जहाँ तहाँ पानी जमा हुआ है, और स्कूटी ऐसा है कि बाइक जैसा नहीं है ना, तो आराम से जाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा जल्दी मतलब जंपिंग करता है, स्लिप करता है, ऐसा होता है ना, तो छोटा चक्का है जो। तो इसके लिए तो अभी हम लोग आराम से जा रहा है गाइस। तो थोड़ी देर बाद मिल जाएगा रुपम भैया का घर पे, तो वहाँ पे जाके मामा जी का फ़ोन बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। और टाइम मिलने से बितुल भैया का उधर भी जाएंगे। हाँ 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 ना जाएंगे, प्रियंका भाभी बितुल भैया लोग का घर पे भी जाएंगे दोस्तों। बने रहिएगा फिलहाल के लिए, अभी तो हम लोग वहाँ पे मिलते हैं गाइस। तो गाइस अभी यहाँ पे देख सकते हैं रुपम भैया लोग का, यहाँ पे पूरा अमरुद का पेड़ है, तो अमरुद खा लेते हैं। भैया जी ने बोल रहा था बहुत अच्छा है, मतलब टेस्टी है बोल के ना, खा लो ना बोल के। तो यहाँ पे देख रहा हूँ नीचे में तो नहीं है, तो एक्चुअली यहाँ पे ये देखिए बम्बू का ये बड़ा सा ये है डांग, तो हम लोग इसको डांग बोलता है, डांगसी। तो इससे ऊपर ऊपर से तोड़ के खाना पड़ेगा गाइस। तो मैं एक तोड़ता हूँ अच्छा वाला, पक्का वाला, देखे बहुत मीठा है बोल रहा था। तो अब ट्राई करते हैं गाइस पूरा लोकल ऑर्गेनिक वाला ना। उस तरफ में ये गाइस देख सकते हैं वहाँ पे दो टू है, एक तोड़ता हूँ मैं वहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी तोड़ लेते हैं, खा लेते हैं गाइस। अभी मैंने देख सकते हैं तीन टू तोड़ लिया, तो अभी इसको खा लेते हैं, एक रुपम भैया को, एक मामा को, एक मेरे को गाइस। देखिए तो दोस्तों फाइनली रुपम भैया का घर में पहुंच चुका हूँ, काफ़ी टाइम बैठा। तो अभी जा रहा है हम लोग, यहाँ पे अंकल है बोला है थोड़ा, तो वहाँ पे पूजा चल रहा है बोला है, तो वहीं पर अटेंड करने के लिए चलते हैं गाइस। तो मामा जी यहाँ पे देखिए हम लोग एक्चुअली चलते हैं ना भैया, पूजा में जाएंगे, हाँ थोड़ा मदद करेंगे, खाएंगे पियेंगे। अच्छा तो अभी हम लोग चल खाएंगे ना, तो गाइस अभी हम पानी पियेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, स्कूटी वहाँ पे रख दिया मैंने घर पे, तो सामने में ही बोला है, तो चल के जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरा सुपारी का बगान ही बगान यहाँ पे देख सकते हैं पूरा। और यहाँ पे देखिए तो मैंने अमरुद भी तोड़ लिया, तो अभी अमरुद खा के चलते हैं गाइस। अभी यहाँ पे देख सकते हैं प्रसाद मिल चुका है, एक्चुअली पूजा जो खत्म हो चुका है गाइस। देखिए रुपम भैया अभी यहाँ पे बैठ के पूरा खा रहा है गाइस, और एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम है, तो यहाँ पे प्रसाद पहले खाएंगे, उसके बाद में खाना वाना का भी पूरा जुगाड़ करके रखा हुआ यहाँ पे, बहुत प्रकार का पूरा ना। तो मामा जी उस तरफ में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे अभी खा लेते हैं। छाँव है बड़ा सा पेड़, ये आम का पेड़ है शायद, तो इसका नीचे में खा लेते हैं गाइस। खाते खाते यहाँ पे एक लोकल बिस्किट भी मिल चुका है, देखिए तो लोकल है, क्योंकि एक्चुअली मैंने पहले भी खाया शायद, ये जो बीजे फेस्टिवल है रुपम भैया लोग का, तो वैसे लग रहा है एक्जैक्टली। क्या नाम था भैया इसका? संडे फ्री। हाँ मैंने खाया है पहले भी, बहुत टेस्टी होता है, अंदर में गुड़ होता है ना तो डालता है, और ये कोकोनट नारियल वगैरह सब कुछ डाला रहता है, तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट रहता है। तो इसके लिए तो मैंने वो जो बुनिया वाला छोड़ के पैकेट पॉकेट में डाल के यही वाला खा रहा हूँ गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा खाना वाना आ चुका है, पूरा रुपम भैया जी यहाँ पे पूरा सर्व कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे सब लोग बैठा हुआ है गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा ये लोकल ना, लोकल सब्जी वगैरह है, पूरा बम्बू सूट वगैरह, देखिए इतना बड़ा बड़ा, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है ना। और गाइस मामा जी पूरा खा रहा है, और यहाँ पे देखिए पोर्क है, यहाँ पे फिश है, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है, तो अभी खा लेते हैं गाइस। ये देखिए बम्बू सूट इतना बड़ा है ना, ये दोस्तों अभी खाना वाना खा के भी काफ़ी टाइम बैठा हूँ वहाँ पे, बातें वगैरह किया, सब लोग वहीं पे था, और अभी हम लोग जा रहे हैं रुपम भैया के घर के तरफ में। तो मामा जी भी पूरा खा के एकदम फुल हो गया बोला है ना, पेट ना पूरा टॉन्स हो गया बोला है, तो मैंने भी पूरा खा लिया ना एकदम। बहुत किस्म का वहाँ पे, बहुत वेराइटीज़ था ना, पूरा लोकल चिकन, पोर्क, मछली, और ये वेजिटेरियन एकदम पूरा था, ठीक से खा लिया गाइस। तो भैया जी आगे आगे दिखते दोस्तों, दिल लेके जा रहे हैं कुछ कुछ सामान है, तो अभी यहीं सामने में भैया का घर का सामने में यहीं पे घर है एक, तो इसीलिए हम लोग ने चल के आया, तो अभी चलते हैं घर पे सीधा भैया जी का। दोस्तों अभी हम लोग रुपम भैया का वहाँ से अभी जा रहा है बितुल भैया का घर पे गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम लोग रास्ता में है, बहुत दिनों के बाद ना, तो जा रहे हैं एक्चुअली, तो देखते हैं अभी कॉल नहीं किया है, पता नहीं है कि नहीं है, वो तो मालूम नहीं है, अब जाने के बाद ही मालूम चलेगा। तो फिलहाल चलते हैं गाइस, घर में होना चाहिए ना, काफ़ी ज़्यादा धूप है, तो बहुत जोड़े यार, हाँ बहुत ज़्यादा धूप है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस, मिलते हैं
दोस्तों अभी जो है हम लोग रूपम भैया का घर से पूरा बीतल भैया का घर में पहुंच चुका है और भैया भाभी पूरा मजा से ना गर्मी में एकदम फैन में सो रहा था, बोला आने का खाने के लिए बोल रहा है, लो केला तू खा लो, केला खाने दे रहा है और पूरा केला खा, केला खाई सुखाई सुखाया सु तो यहाँ पे देख सकते पूरा केला खाया हम लोग, भाभी जी भी वहाँ पे पूरा बैठी हुई है, सब लोग उठ गया ना हम लोग आने के साथ साथ फैन बाहर में निकाल दिया पूरा गर्मी में ना मजा से एकदम बाहर में हवा से हवा हवा आ रहा है, तो यहाँ पे बैठ के केला खा रहा है हम लोग दोस्तों। तो गाइस अभी बहुत सारे बातें वगैरह किया तो बहुत टाइम बैठा, गर्मी भी बहुत था, तो अभी तो शाम भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो इतना धूप भी नहीं है, हालांकि धूप है पर भी इतना कड़क सा नहीं है, अभी थोड़ा शाम ढल गया ना, शाम ढल गया। हाँ तो अभी यहाँ से निकलते हैं, हम लोग को जाना है, तो बीतुल भैया लोग भी कहीं, बीतुल भैया जाएगा बोला है जाल लेने के लिए ना, फिशिंग नेट लेने के लिए, क्योंकि फिशिंग करेगा बोला है, तो अभी भैया भी निकलेगा हम लोग भी निकल रहे हैं गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं घर जी, यहाँ पे पूरा भैया जी वहाँ पे रेडी हो रहा है अंदर में, क्या क्या कर रहा है घर का अंदर में, ठीक है भैया ना फिर आते हैं, ओके गाइस तो अभी आएंगे फिर ना, तो ठीक है अब भी जाइए, तो काफी टाइम बैठा तो अभी चलना पड़ेगा गाइस, तो बैठिए भाभी जी फिर आएंगे कभी दिन है कि नहीं, तो आएगा आएगा भाभी जी का वहाँ पर पूरा कॉफी सुबह मार के एक घंटा जैसे बैठे ना, हाँ बहुत टाइम बैठा, तो अभी चलते हैं गाइस, बाय बाय। तो गाइस अभी मामा जी को यहाँ पे छोड़ दिया मैंने, तो वहाँ से भी आ गया हम लोग, तो अभी मामा जी यहाँ से जाएगा, साइकिल यहाँ पे रखा था बोला ना, अच्छा ओके गाइस तो अभी चलते, ओके बाय ना, अभी तो पूरा घुरा रहे बहुत ज्यादा ना, सुबह निकला था पूरा, अभी तो कितना हो गया, 4 बजे 5 बजने वाला हो गया, ऐसा क्या, हाँ देखिए गाइस हाँ जाना भी पड़ता है, बीतुल भैया का घर में तो बहुत अच्छा लगा ना जाके, मजा आ गया, रूपम भाई जो मोबाइल का हाँ हाँ कुछ कुछ हुआ था ना, वो भी सेटिंग में गड़बड़ हुआ था ना, वो भी हो चुका है दोस्तों, बीटल बाइक का घर गया बहुत अच्छे से कपड़े से लगाया, रूपम बाइक का घर तो बहुत अच्छा लगा, पूजा में भी गया पर ठीक से खा के आ गया, अरे पूरा दबा गया, तो गाइस अभी मैं भी घर चलता हूँ ना, तो बाय बाय गाइस, बाय बाय नहीं हाँ। दोस्तों अभी फाइनली घर पहुँच गया हूँ, एक्चुअली मैं पहले ही पहुँचा था, तो आज को तो गया रूपम भैया का वहाँ पे और पूजा में गया, उसके बाद में तो उसके बाद में फिर से गया बीतुल भैया और प्रियंका भाभी लोग का घर पे ना, वहाँ पे बैठे काफ़ी सारे बातें किए, बहुत सारा टाइम स्पेंड किया दोस्तों और बहुत अच्छा लगा, तो अभी फिलहाल घर पहुँच गया हूँ दोस्तों, पर थोड़ा पूरा गर्मी लग रहा है ना, तो इसके कारण से पूरा नंगा पुंगा बैठा हूँ गाइस, तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करना चाहता हूँ, कैसा लगा व्लॉग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर चैनल पे नहीं है तो नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, तो मिलते हैं फिर कल और एक नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।